बदलाव सतत है। 34 साल के लंबे अंतराल के बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है जो 5 सिद्धांतों पर काम करेगी। एक्सेस यानी सब तक पहुंच, इक्विटी यानी भागीदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायत और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। आपको नई शिक्षा नीति की बारीकियों से अवगत कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। साल बाद शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव। देश को मिली नई शिक्षा नीति। माध्यमिक और उच्च शिक्षा अब नई राह की ओर। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम। तीन साल की उम्र से 12वीं तक 4 ग्रुप। HRD मंत्रालय की जगह अब शिक्षा मंत्रालय। प्रारंभिक शिक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन। शिक्षा व्यवस्था अब सबकी पहुंच तक। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम अपनाया जाएगा। साथ ही 3 साल की उम्र से 12वीं तक के 4 ग्रुप होंगे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा। नई शिक्षा नीति की हर एक बारीकियों को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। अगर शिक्षा ना हो तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए केंद्रीय सरकार अब नई शिक्षा नीति लाई है, जिसके तहत पढ़ाई को और रोचक बनाया जाएगा और भारत सरकार देश के भविष्य की इमारत को मजबूत नींव पर खड़ा करने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं। जी हां, 34 साल बाद मोदी कैबिनेट ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है और इस नई पॉलिसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। इस नीति में सबसे बड़ी बात है कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15,00,000 से भी अधिक स्कूल, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है। सरकार ने कहा है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज देश में अपना कैंपस बना सकेंगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। 34 साल पहले यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। करीब 3 दशक से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियां भी बनाई गई थी। जानिए अब कैसा होगा 10+2 का नया स्वरूप। 5वीं तक कम से कम और 8वीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई होगी, यानी कि हिंदी अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा, यानी कि प्राइमरी से 2री कक्षा तक एक हिस्सा, फिर 3री से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। छात्र अपनी मर्जी और स्वेच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे ये विकल्प मिलेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6ठी से शुरू हो जाएंगे। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। केवल 12वीं क्लास में बोर्ड होगा और MPhil बंद होगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर बाहर निकले। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा। दूसरा, उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा, अध्यापक के जरिए। ग्रेजुएट कोर्स में अब 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। उनके लिए MA 1 साल में करने का प्रावधान होगा। अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा। MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। नई नीति स्कूलों और HES दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृत भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की स्थापना की जाएगी। द न्यू सिस्टम इन स्कूल विल बी 5+3+3+4 इन प्लेस ऑफ 10+2। इन हायर एजुकेशन देयर विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ 4-year कोर्सेज, कॉमन रेगुलेटरी सिस्टम बाय ए कॉमन रेगुलेटर, सिंगल रेगुलेटर, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नई नीति के 5 स्तंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नई शिक्षा के 5 स्तंभों का उल्लेख भी किया है। ये 5 स्तंभ हैं एक्सेस यानी सब तक पहुंच, इक्विटी यानी भागीदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायत और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति तैयार की है, इसका उद्देश्य है कि कम और सीखने वाली उम्र से ही छात्रों में व्यवहार कुशल शिक्षा और कौशल विकसित हो। इससे आगे चलकर किसी भी बच्चे को अपने लिए रोजगार का क्षेत्र चुनने में परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पढ़ाई का पुरातन बोझ खत्म होगा और छात्र पढ़कर लिखकर अफसर बनने के बजाय खुला व अन्य विकल्प भी देख पाएंगे। अभिभावक और छात्र दोनों ही इस नीति को लेकर परेशान होंगे कि आखिर क्या है 5+3+3+4। आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि शिक्षा नीति की क्या रूपरेखा होगी, साथ ही अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदलाव लाए गए हैं। आप सभी के मन में सवाल होंगे कि नई शिक्षा नीति कैसे काम करेगी और ये कब लागू होगी। आखिर नई शिक्षा नीति में क्या है ये तो हमने आपको बता दिया। आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो होंगे ही, पर हमारे पास आपके हर सवाल का जवाब है। केंद्र सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति बनाई है। ऐसे में छात्र और अभिभावक दोनों के मन में हलचल होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो 10+2 की बात होती थी, अब उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है।
अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 5+3+3+4 क्या है। 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और क्लास 1 और 2। उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5। इसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8। और आखिर के 4 का मतलब है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चा पहली क्लास में ही होगा, लेकिन पहले के 3 साल भी फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे। इसमें काफी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहाँ पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा। अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है, फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, प्लस टू में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे। लैंग्वेज फॉर्मूला। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, और वो है लैंग्वेज यानी भाषा के स्तर पर। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा, लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। साइंस के साथ इतिहास भी पढ़ सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत साइंस के छात्र इतिहास या आर्ट्स के कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। अगर छात्र को इसमें दिक्कत होती है तो सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने पर मुख्य सब्जेक्ट यानी आर्ट या साइंस संकाय के आधार पर ही डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति में ये बात अहम है कि अब छात्र 6ठी कक्षा में वोकेशनल शिक्षा के साथ अप्रेंटिस भी करेंगे। जो छात्र 12वीं के बाद काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अप्रेंटिस से मिले व्यावहारिक ज्ञान से फायदा मिलेगा। बोर्ड एग्जाम। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव की है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात की गई, लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात की गई है। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का। केंद्र की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा। 2022-23 वाले सत्र से इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसी को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदला? इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री, और 4 साल के बाद की डिग्री होगी शोध के साथ। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है।
दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए, ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाए। अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। अब ऑनलाइन शिक्षा बढ़ेगी। ई शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय में एक इकाई बनेगी, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण पर काम करेगी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये नई शिक्षा नीति कब लागू होगी, तो ये रहा जवाब। दरअसल ये पैटर्न एकदम नहीं बदलेगा, एक दशक में धीरे धीरे बदलाव किया जाएगा। जैसे 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न 2022-23 तक आएगा, 2024-25 में 12वीं का नया पैटर्न आएगा, प्री प्राइमरी की शिक्षा और पहली कक्षा के लिए 3 महीने का प्रिपेरेटरी मॉड्यूल सिस्टम अगले सत्र यानी 2021-22 से ही लागू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। जुलाई 2020, ये दिन देश के लिए बहुत ऐतिहासिक रहा। बुधवार के दिन इस देश को एक नई शिक्षा नीति मिली। 34 साल बाद शिक्षा में एक क्रांति का समय आया है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 10वीं या 12वीं की शिक्षा हो या उच्चतर शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन में एक व्यापक परिवर्तन किया गया है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। और एक और इसमें आपको बात बता दें कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदल के अब जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इसलिए आज हम पहली बार देश के प्रथम शिक्षा मंत्री से बातचीत करने जा रहे हैं। इन सब नई शिक्षा नीति क्या है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले मैं जानना चाह रहा था कि जो 10वीं का जो 10+2 सिस्टम चला आ रहा था, अब उसको आपने बदल के 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया। उसमें लगातार विपक्ष का कहना ये है कि सिस्टम ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मातृभाषा और रीजनल भाषा का उसमें उपयोग किया जाएगा। उसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है, जो हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं बच्चों को आगे चल के दिक्कत दे सकती है। हमारी किसी भाषा का तो विरोध ही नहीं है जी, और हम तो भारत की 22 जो भारतीय भाषाएं हैं उनको सशक्तिकरण पर जोर देते हैं जी। और पूरे देश की मांग थी कि जो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा जी। उस क्षेत्र की जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति कर सकता है, और वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का बच्चे का जो कमेटी ने रिपोर्ट दी कि वैज्ञानिकों ने कहा है ये अनुसंधान के बाद कि 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक के बच्चे का जो मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास होता है, तो उस समय का भी बहुत अच्छे से कैसे उपयोग हो सकता है, अच्छा सा हो सकता है, ये उसका उपयोग करने के लिए कमेटी ने, जो कमेटी बनी थी उसने अनुशंसा की। और हमने पूरे देश से सबसे बड़ा विमर्श हुआ होगा दुनिया का ये जी, जो ग्राम समिति से लेकर शिक्षाविद, अभिभावक, छात्र, जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ और व्यापक तरीके से विमर्श होने के बाद भी हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला, और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद भी 2.25 लाख सुझाव आए, और उसमें भी हमने 2 सचिवालय बना करके विस्तार पूर्वक उनका विश्लेषण किया, फिर निचोड़ा करके ये नई शिक्षा नीति के रूप में आया। तो लोगों के जो पूरे देश के अच्छे सुझाव थे, उन सुझावों को इसमें हमने सम्मिलित किया। हमारी किसी भाषा से कभी कोई, हम तो सभी भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं और उन्हीं के लिए ये कर रहे हैं जी। तो जो प्रारंभिक भाषा है, बाकी तो राज्यों का विषय है, लेकिन प्रारंभिक उसकी मातृभाषा, उसकी क्षेत्रीय जो भाषा है, उसके प्रदेश की जो भाषा है जी, उस भाषा में वो पढ़ेगा तो प्रदेश भी ये चाहेगा, फिर भी किसी भाषा का कोई विरोध नहीं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और खड़ा होता है कि आपने जो नई शिक्षा नीति लाया उसमें बहुत एक नया परिवर्तन लाए हैं, बच्चे अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो खुद बनाएंगे, ये कैसे संभव होगा, कैसे मूल्यांकन होगा उस चीज़ का? देखिए, इस नई शिक्षा नीति में जो बच्चे के उसका मूल्यांकन का जो पद्धति होगी जी, वो 360 डिग्री जी, वो होलिस्टिक मूल्यांकन होगा जी, सर्वांगीण मूल्यांकन होगा,
उस बच्चा अपना भी मूल्यांकन करेगा, अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा, उसका साथी भी मूल्यांकन करेगा, अध्यापक भी मूल्यांकन करेगा, तो समग्र रूप से वो विकसित होगा। उसको भी लगेगा कि बाद में कि मेरा क्या क्या मूल्यांकन था, तो जो भी कमी होगी, क्योंकि अभी तक क्या है केवल उस अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान के आधार पर उसके अतिरिक्त क्या गतिविधियां हैं, जैसे हमने कहा कि पाठ्यक्रम से अतिरिक्त भी गतिविधियां उसके सांस करते हैं, खेल कूद से लेकर इधर कक्षा 6 से हम लोग वोकेशनल उसको शिक्षा देंगे, तो उसका कौशल का विकास होगा। तो जब उसके कौशल का विकास होगा, जब 6वीं से और वो भी इंटर्नशिप के साथ देंगे, वो जाएगा प्रैक्टिकल करेगा जी। तो वो 12वीं तक निकलने में एक ऐसी स्थिति में निकलेगा तो उसको किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं होगी, वो उसका कौशल का विकास हो गया होगा और आगे तेजी से वो अपने रास्ते को पार कर सकता है। सर एक और शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ही था कि 10वीं और जो 12वीं का बोर्ड है उसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 10वीं में 2 बोर्ड होंगे, 12वीं में 1 बोर्ड होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि बच्चों के लगातार जो है फ़ोन आ रहे हैं कि क्या है, किस तरह से अप्लाई की होगा, ये सारी चीज़ें। बच्चों को हिट में बहुत अच्छा है जी, और बोर्ड की परीक्षा होगी और उसमें भी उसको 2 बार सुविधा मिलेगी जी, बहुत अच्छा है। जैसे पहले हमने आपने देखा कि जब 8वीं का बोर्ड होता था कैसी तैयारी बच्चे करते थे, और बीच में एक कार्यकाल आया, खंडकाल आया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उसी की समीक्षा है कि बिना किसी मूल्यांकन के परीक्षा के पास करते चले गए, और फिर रिपोर्ट आ रही है कि 10वीं में पहुंचने वाला बच्चे ना तो ठीक से पढ़ पा रहा है और ना लिख पा रहा है, तो हम उसके मित्र थोड़ी हैं कि उसको कैसे स्थिति में लेकर के खड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देश का भविष्य है हमारा बच्चा, परिवार का तो है ही, देश का भविष्य, और उसको हम कैसे करके उभार करके ला सकते हैं जी। हम अध्यापक अभिभावक मिल करके और उसको राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल करके जी, और उधर अध्यापक और अभिभावक मिल करके उस बच्चे को तराशने का काम करें। सर तो मतलब 10वीं में 2 बोर्ड और 12वीं में 1 बोर्ड, अभी इस पर कुल मिला करके उसको अवसर मिलेगा और बोर्ड की परीक्षा जरूर जी। अब मैं बात करूं सर हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन में भी आपने बड़ा व्यापक परिवर्तन किया है, हायर एजुकेशन में आप एक नई चीज लेकर आए हैं, एग्जिट पॉलिसी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, वो दोनों क्या हैं वो जरा थोड़ा बता, और वो रोजगार परक कैसे हो सकती है, थोड़ा इसमें भी जानकारी दें। नहीं देखिए अभी तक क्या होता था कि एक तो विषय की छूट नहीं होती थी जी, तो अब इसमें अपने विषय छात्र को स्वतंत्रता है बिल्कुल, कि वो किसी विषय के साइंस विषय के साथ वो आर्ट विषय भी ले सकता है जी, वो किसी इंजीनियरिंग में कर रहा है तो कुछ और भी ले सकता है जी, तो ये उस पर निर्भर करेगा। दूसरा कि यदि 4 साल की कोई डिग्री कोर्स है और बीच में परिस्थिति वश उसको 2 साल में छोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका वो 2 साल खराब ना हो, हम लोग उसको एक क्रेडिट बैंक बना रहे हैं जी, उसमें उसका सब कुछ जो है क्रेडिट रहेगा, यदि जरूरत पड़ती है कि 1 साल में छोड़ के जा रहा है ग्रेड आ जाएंगे उसके, हाँ ग्रेड आ जाएंगे उसके, तो 1 साल में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ठीक है, यदि 2 साल में छोड़ के जा रहा है तो डिप्लोमा मिल जाएगा ठीक है, 3-4 साल में उसको डिग्री मिल जाएगी, और यदि वो बीच में छोड़ के गया फिर दोबारा आना चाहता है तो दोबारा भी वो वहीं से शुरू कर सकता है जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस बच्चे को लगेगा कि नहीं वो पूरी ताकत के साथ यदि जाना, उसको ये नहीं लगेगा कि उसका समय इन परिस्थितियों में खराब हो गया जी, वो दोबारा भी आकर के उसको शुरू कर सकता है। सर इसमें एक थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा था कि ये 4 साल का जो सिस्टम है आप जो लाए हैं ग्रेजुएशन का, IIT पहले से एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देता था, उसके बाद डायरेक्ट आप PhD कर सकते थे, तो इसके बाद क्या 4 साल के पूरा करने के बाद ग्रेजुएशन का आप डायरेक्ट जो है PhD में एनरोल कर सकते हैं या आपको 1 साल और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? नहीं उसमें कई प्रकार के विकल्प हैं जी, और बहुत अच्छे विकल्प हैं, आप जब पूरी नीति को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें शंका की कोई कहीं गुंजाइश ही नहीं है, बहुत स्पष्ट। सर एक और सवाल मेरा ये था हायर एजुकेशन पे ही, लगातार ये कहा जा रहा था हिंदुस्तान की जो अब तक शिक्षा पद्धति चल रही थी वो ग्रेजुएशन बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड नहीं है, इसलिए बच्चे जो है विदेशों में चले जाते हैं शोध के लिए, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
शोध की संस्कृति कैसे बढ़ सकती है जी। अभी भी हम स्पार्क है, स्ट्राइड है, इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है, इसके माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन ये तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्पेशली इसलिए स्थापित करेंगे जी। कि बहुत तेजी से अनुसंधान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नए भारत के निर्माण की जो उनकी संकल्पना है कि स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, उस भारत की आधारशिला ये नीति बनेगी, और इसलिए शोध और अनुसंधान में हम विश्व के स्तर पर प्रतिस्पर्धा में जाएंगे जी। और निश्चित रूप में इस शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति आई है ये इस देश को विश्व के ज्ञान की महाशक्ति स्थापित करेगा, हम विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का गंतव्य बन सकेंगे ये इस शिक्षा। अंतिम सवाल सर, ये लागू कब तक होगी, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बड़ा सवाल हो रहा है। वो कुछ चीज़ें हम लागू कर भी दिए हैं जी, और फिर चरणबद्ध तरीके से लागू। बिल्कुल, तो साफ तौर पे कहा है कि इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। देश में 634,000 गाँव हैं, और बड़ा एक रिसर्च किया गया कि 125,000 ग्राम पंचायतों से बात करने के बाद, ये एक फीडबैक लेने के बाद तैयार की गई है। हिमालयन टास्क है, कैसे तैयार हुआ, कैसे इसको लागू किया जाएगा, ये अब एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस समय कैमरामैन मनु के सामने मृगांक प्रभाकर। देश में 644,000 गाँव हैं, इन गाँव में इस नीति को पहुँचाना एक हिमालयन टास्क होगा। इसके लिए फ्लेक्सीबिलिटी और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करना होगा, तभी सभी को शिक्षा और समाज का विकास हो सकेगा। पर इन सबके बीच ये सरकार की एक अच्छी पहल है। आप बने रहिए सारा समय के साथ, हमें दीजिए इजाज़त।